लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है और ये कहा कि कांग्रेस को न्याय शब्द शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने स्वयं अन्याय के पहाड़ पर बैठकर सदैव पूरे देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा है। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरे देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ, हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहाँ कहाँ, कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग बाहर एक हवा चल रही है, एक नई ऋतु का, खासकर राजनीतिक ऋतु, ये भाजपा को 400 पार की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।